विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कन्हैया जल्दी चलो, माता यशोदा ने तुम्हें बुलाया है। मथुरा से कोई संदेश आया है तुम्हारे लिए। संदेश आया है मथुरा से? अब तो मुझे जाना ही होगा। स्मरण रखना, मेरे जाने के बाद भी उदास मत होना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि मैं तो यहाँ सभी को सदा प्रसन्न देखना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे अपने हृदय से दूर मत होने देना। मन तो बहुत है किंतु मैं देख नहीं सकती। आज कान्हा की वचन इतने अलग क्यों थे राधा जी? कहीं कान्हा गोकुल छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गोकुल छोड़कर कान्हा कहाँ जा सकते हैं? जीवन का संपूर्ण सार नीति और नियति में है, इसीलिए कन्हैया को भी नियति का पालन करना होगा। यदि उन्हें यहाँ से दूर जाना होगा तो वो जाएंगे। कन्हैया को हम गोकुल में बांध कर नहीं रख सकते, ना अपने प्रेम से ना अपनी भक्ति से। किंतु जैसा उन्होंने कहा, कान्हा को हम अपने मन में सदा रख सकते हैं, फिर तो वो हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाएंगे। पीड़ा तो मुझे भी है किंतु व्यक्त नहीं कर सकती, परंतु पीड़ा कह दो तो कम हो जाती है। कोई भी बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। तो जिन्हें कन्हैया से बात करनी है या जो कन्हैया से मिल नहीं सके और मिलना चाहते हैं, तो उन्हें अभी जाकर मिल लेना चाहिए। 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 यही तो रखा था मैंने। कहाँ हो सकता है मेरा मयूर पंख? कदाचित यहां रखा होगा मैंने। यहां भी नहीं है। कहां होगा? यही ढूंढ रही थी ना तुम? हाँ, किंतु ये आपको कहाँ मिला? यही नीचे गिरा था। किंतु इतनी रात को तुम क्या कर रही हो माधवी? अब तक सोई नहीं? लगता है तुम्हें भी पता चल गया कि कान्हा के लिए मथुरा से संदेश आया है। कैसा संदेश? हम सबको तो इस बारे में नहीं पता माधवी, किंतु यशोदा माता और नंद बाबा दोनों चिंतित हैं। पता नहीं क्या होगा। बस माधवी, इसी चिंता में सो नहीं पा रहा था, किंतु होगा क्या ये तो भोर में ही पता चलेगा। तो आइए आज रात हम दोनों कन्हैया की बातें करके अपनी चिंता से ध्यान हटा लेते हैं। ठीक है, तो बताओ माधवी, आज तुम मेरे कन्हैया के बारे में क्या सुनना चाहती हो? आप कहते हैं कि कन्हैया आपके हैं, गोकुल में सभी कहते हैं कि वो यशोदा माता के नंदलाला है, फिर कोई उन्हें राधा का कृष्ण कहकर भी पुकारता है, और गोकुल की गोपियां वो तो उन्हें अपना गोपाल मानती हैं, किंतु एक होकर भी वो सभी के कैसे हो सकते हैं? देखो माधवी, मनुष्य है जो सीमाओं से बंधा है,
भगवान नहीं, भगवान तो इन सब से परे हैं। और माधवी, कान्हा के प्रति तो सभी भक्तों का आत्मिक जुड़ाव होता है। कान्हा जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी हो सकता है। कान्हा के रूप में तो वो परमेश्वर है माधवी, उनसे लौकिक नहीं अलौकिक संबंधी बन सकते हैं। कान्हा जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी हो सकता है, उतना ही तुम्हारा भी हो सकता है। फिर तो मैं बहुत बड़ी भूल कर रही थी, उनके दर्शन के सारे अवसर मैंने गवा दिए। किंतु क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने माधवी? क्योंकि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं कान्हा से दूर रहूंगी, उनकी ओर कभी कभी देखूंगी भी नहीं। माधवी, ये वृंदावन में रहकर संभव ही नहीं है। किंतु समझ में ये नहीं आ रहा, तुम्हारी माँ ने ऐसा वचन क्यों लिया तुमसे? वो उन्हें शंका थी कि गोकुल की बाकी गोपियों के जैसे कन्हैया के प्रेम बंधन में बंधकर कहीं उन्हीं में ना खो जाऊं और उनके पति मेरा प्रेम हमारे संबंध के बीच ना आ जाए। माधवी, ये असंभव है। कान्हा के प्रति प्रेम और लगन हमारे विवाह के संबंध के बंधन से कहीं परे है, और वो पावन प्रेम तो संसार के किसी संबंध के बीच आ ही नहीं सकता। और वैसे भी माधवी, वो सौगंध तो उसी दिन भंग हो गई थी ना, जब तुमने मेरे कन्हैया को गोवर्धन पर्वत उठाते देखा था। वो तो मैंने अनजाने में। माधवी, अनजाने में ही सही, किंतु गोकुल में प्रवेश करते ही तुमने कन्हैया के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए थे ना। तुम ही बताओ माधवी, क्या ये भगवान की इच्छा के बिना संभव था? देखो माधवी, भगवान स्वयं नहीं चाहते कि तुम ऐसे निरर्थक वचन का पालन करो। फिर भी यदि तुम्हें अपने वचन को भंग करने में संकोच हो रहा है तो तुम्हारे मन मंदिर में जो मूरत बसी है ना, उसे कन्हैया का स्वरूप समझकर उनकी आराधना तो कर ही सकती हो ना। इस तरह तुम्हारा वचन भी भंग नहीं होगा और तुम उनके दर्शन भी कर पाओगी। उस रात माधवी के लिए सभी बातों का अर्थ बदल गया और अब उसके मन में एक आस जागृत हुई कि वो भी प्रभु दर्शन के सौभाग्य का सुख पा सकेगी। किंतु उसे क्या पता था कि आने वाला दिन कैसा समाचार लाने वाला था। अपने गिरधर गोपाल से मिलने मैं खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? ये मयूर पंख है ना, किंतु इसमें तो मेरा कुछ नहीं। ये तो उस मयूर का है ना जिसके तन को ये सुशोभित करता था, इसलिए ये तो मेरे गिरधर गोपाल के लिए उसका उपहार कहलाएगा। कुछ और ले जाना होगा, किंतु क्या? ओहो माधवी, तुम भी एक किस विचार में उलझ गई? इस पृथ्वी पर हर एक चीज तो प्रभु की ही है, यदि ऐसा सोचूंगी तो कुछ नहीं ले जा पाऊंगी। क्या हुआ माता, आप इतनी स्तब्ध क्यों खड़ी हैं? पुत्री माधवी, कन्हैया को गोकुल छोड़कर जाना होगा। यदि ऐसा है तो उनके जाने से पहले मैं उनके दर्शन प्राप्त करूंगी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी।
मेरा। यहां तो कोई भी नहीं है, पूरा गोकुल शांत और सूना पड़ा है, अर्थात सब कान्हा को विदा करने गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। गिरधर गोपाल, मुझे दर्शन दिए बिना नहीं जा सकते। चले गए मेरे गिरधर गोपाल, आप क्यों चले गए? ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा, मुझे दर्शन दिए बिना ही चले गए। क्यों प्रभु? पुत्री माधवी, माता आपने कहा था ना पूरे मन से यदि कन्हैया से मिलने आओ तो वो अवश्य मिलते हैं। माता, आज मेरे मन में ना ही कोई संदेह था और ना ही कोई संशय, फिर भी वो मुझसे बिना मिले चले गए। माता, वो मुझसे बिना मिले चले गए, मुझसे नहीं मिले वो। कौन कहता है तुम्हें प्रभु नहीं मिले? जिनमें मुझे मेरे प्रभु कृष्ण की छवि दिख रही है। राधा, कृष्ण कन्हैया की राधा हूं मैं। आप राधा जी हैं, मुझसे मिलिए, मैं ही हूं वो भागन जो वृंदावन में रहकर भी गोपाल से नहीं मिल पाई। ये कहना उचित नहीं कि तुम्हें प्रभु नहीं मिले। कहाँ मिले हैं मुझे प्रभु? यदि मिलते तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती, इतना कष्ट नहीं होता मुझे। मैं तो प्रभु दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेम और विरह की अग्नि अंतर मन में सुलगती है, ना वो किसी को दिखाई देती है, ना ही उसका कोई चिन्ह है। ये ऐसी अग्नि है जो प्रेमी को ही पीड़ा पहुंचाती है, उसी को ही इसका अनुभव होता है, अन्य सभी से ये छिपी रहती है। जैसे मेरी पीड़ा कोई नहीं देख सकता, वैसे ही तुम्हारी पीड़ा भी इसी बात का प्रमाण है कि तुम्हें भी प्रभु मिल चुके हैं।
उनसे प्रेम करती हो तुम, तभी तो तुम्हें उनके विरह का कष्ट हो रहा है। उनसे तुम्हारा मिलन अंतर मन में हृदय में तो हो चुका है, बस नहीं मिले हैं तो वो है उनके दिव्य दर्शन। अपने सच्चे भक्तों को प्रभु हृदय से अपनाते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। कृष्ण कन्हैया को तुम्हारी पीड़ा ज्ञात है, इसलिए विश्वास रखो उनसे भेंट का अवसर भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। राधा जी, मेरे हृदय को जानते हैं प्रभु, तो उन्हें यह भी पता होगा कि आज तक मैं उनके दर्शन से स्वयं को रोकती रही, तो क्या वो अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगे? क्या वो दर्शन देंगे मुझे? प्रसन्न ही किम प्राप्य मस्तेह परमेश्वरे, अर्थात जब प्रभु प्रसन्न हो तो फिर कुछ भी पाने से भला कोई कैसे रोक सकता है। इसलिए अपने आप को उनकी प्रेम उनकी भक्ति में लीन कर लो, फिर देखो वो कैसे प्रसन्न होकर स्वयं अपने दर्शन का तुम्हें अवसर देंगे। आपने तो प्रसन्न कर दिया मेरे मन को, आपको और मेरे प्रभु को धन्यवाद। किंतु वो तो चले गए हैं, तो क्या आपको उनके जाने का भय नहीं होता कि वो हमसे सदा के लिए बिछड़ चुके हैं और न जाने वो यहाँ कभी लौट कर आएंगे भी या नहीं? प्रभु को जो एक बार अपने मन मंदिर में बसा लेता है, फिर ना वो स्वयं को बिसरा सकता है और ना प्रभु उसके मन मंदिर से बाहर निकलते हैं। भक्त और भगवान का तो जन्म जन्मांतर का संबंध स्थापित हो जाता है। सत्य को समय पर स्वीकार करने वाले को पछताना नहीं पड़ता।